नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस के दिन सोने चांदी और बर्तन खरीदने का विधान है, लेकिन इस दिन एक और चीज जो जरूर खरीदनी चाहिए वो है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इस धनतेरस झाड़ू को जरूर खरीदें और उससे जुड़ी इन मान्यताओं का भी ध्यान रखें। सफेद रंग का धागा। धनतेरस पर खरीदे गए झाड़ू से जुड़ा पहला नियम कहता है कि जब आप उसे खरीद कर अपने घर लाए, तो उसके हैंडल पर एक सफेद रंग का धागा बांध दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर बनी रहती हैं। झाड़ू को पैर से ना छुएं। कहा जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू को पैर से ना मारे। दिन विशेष को खरीदे झाड़ू। मंगलवार और रविवार को कभी भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कलह का वातावरण बना रहता है। एक साथ तीन झाड़ू। धनतेरस के दिन एक साथ तीन झाड़ू खरीदने चाहिए। ऐसा करना एक अच्छा शगुन होता है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सम संख्या में झाड़ू ना खरीदें। मंदिर में झाड़ू दान। दिवाली के दिन मंदिर में झाड़ूदान करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा तभी होता है जब आप झाड़ू को मंदिर में सूर्योदय से पहले दान करते हैं। ध्यान रखें, दान किया जाने वाला झाड़ू धनतेरस के दिन के पहले खरीदना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।